जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए गए डिफेंस इक्विपमेंट के नए पेमेंट सिस्टम के लिए भारत और रशिया संयुक्त रूप से कर रहे हैं काम। रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी ने गिरफ्तार किया एक सुसाइड बॉम्बर जो कि भारत के खिलाफ कर रहा था प्लानिंग। INS विक्रांत कमीशन किया जाएगा 2 सितंबर को। भारत बैन कर सकता है करीब 300 और चाइनीज ऐप्स और रशियन ऑफिशियल ने बताया कि वे कब इस्तेमाल करेंगे न्यूक्स। द प्रिंट की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट की तरफ से रशिया के बैंकिंग चैनल्स पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो अब उन्हीं प्रतिबंधों की वजह से रशिया और भारत एक नए पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। और ये नया पेमेंट सिस्टम खास करके उन डिफेंस इक्विपमेंट के लिए है जो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए गए हैं और जिसमें तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लीज पर लेना भी शामिल है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है अकुला क्लास के चक्रा 3 सबमरीन की। बाकी द प्रिंट की इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है रशिया के रूबल का एप्रिसिएशन ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि रशिया को भुगतान भारत के लिए और अधिक महंगा साबित होगा। हालांकि पिछले साल अगस्त के महीने तक रुपीस और रूबल्स की जो वैल्यू थी वो इक्वल थी, लेकिन आज रशियन रूबल की वैल्यू आज 1 रुपए के मुकाबले 0.75 हो गई है। और जबकि रशिया तो पिछले कुछ वर्षों से ही डिफेंस डील्स के लिए पेमेंट सिस्टम के तौर पर रुपीस रूबल ट्रांसफर पर जोर देता आया है, लेकिन उस समय रशियन करेंसी के डेप्रिसिएशन को देखते हुए भारत इससे पीछे ही रहा। हालांकि वो बात अलग है कि अब रशियन करेंसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है और अब भारत और रशिया और भी सिंपल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने एक स्विफ्ट लाइक सिस्टम का भी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है जो कि रशियन सेंट्रल बैंक द्वारा ही विकसित किया गया है और जिसमें रशिया के मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके रुपीस रूबल डिनोमिनेटेड पेमेंट शामिल है। और इस प्रस्ताव के तहत भारतीय रुपया रशियन बैंक में डिपॉजिट होगा और फिर वहां से वो रूबल्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन अभी भी इस प्रस्ताव के तहत कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वो किस तरीके से काम करेंगे। बाकी आर्मी 2022 के दौरान रशिया के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है जो पेमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही होती हैं। रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने आईसिस के एक सुसाइड बॉम्बर को डिटेन किया है और उसने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वो भारत में रूलिंग गवर्नमेंट के टॉप मेंबर्स को टारगेट करने की योजना बना रहा था। साथ में उसने ये भी बताया कि अप्रैल से जून 2022 तक रिपब्लिक ऑफ टर्की के क्षेत्र में इसे आईसिस के एक लीडर द्वारा सुसाइड बॉम्बर के तौर पर रिक्रूट किया गया था और वे इसे टेलीग्राम मैसेंजर के माध्यम से रिमोटली कॉन्टैक्ट में थे और इसे इस पूरी योजना के लिए तैयार करने के लिए इस्तांबुल में इससे एक पर्सनल मीटिंग भी की गई थी और जिसके परिणाम स्वरूप इसने आईसिस के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ भी ली थी। और फिर उसके बाद उसे टास्क दिया गया कि वो पहले रशिया के लिए रवाना हो, आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने के बाद फिर अपनी इस आतंकी योजना को अंजाम देने के लिए भारत के लिए उड़ान भरे। लेकिन इससे पहले कि अपनी योजना को अंजाम देने के लिए भारत पहुंचता, रशिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने इसे कस्टडी में ले लिया। और इस मामले पर रशियन न्यूज एजेंसी TASS की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक आईसिस द्वारा इसे प्रॉफिट मोहम्मद रिमार्क वाली कंट्रोवर्सी के नाम पर ही ब्रेन वॉश किया गया था। और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो आतंकी गिरफ्तार किया गया है ये उज्बेकिस्तान से है। बाकी इस पूरे मामले पर भारत सरकार भी स्टैब्लिश चैनल्स के माध्यम से डिटेल्स को कम्युनिकेट कर रही है और बाकी इस पूरे मामले पर ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर ये भारत अगर इस तरह की कोई योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था तो सीधी सी बात है कि यहां भारत में उसका कोई ना कोई कॉन्टैक्ट जरूर होता जिससे वो आके पहले मिलता और फिर बाद में अपनी योजना को अंजाम देता। उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल 23 अगस्त को उज्बेकिस्तान में रहेंगे और इस दौरान वे उज्बेकिस्तान के काउंटरपार्ट के साथ बायलेटरल मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अरुणाचल प्रदेश में LAC के साथ अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को मजबूत करने और किसी भी तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए आर्मी के एविएशन कोर ने एक खास ड्रिल को कंडक्ट किया था। और इस दौरान ANI के साथ बात करते हुए आर्मी के सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि यहाँ पे हम UAVs के माध्यम से दिन रात 24/7 सर्विलियंस कंडक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे ट्रूप्स को समय पर रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। और साथ में ये भी बताया गया कि UAVs का इस्तेमाल यहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए भी किया जा रहा है जिसमें इंसर्जेंट्स की मूवमेंट, उनके हाइडआउट्स, उनके कैंप, इन सभी को लोकेट करना शामिल है। इसके अलावा एक दुखद खबर भी सामने आई है कि अभी कुछ दिनों पहले राजौरी में जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे 5 जवान घायल भी हुए थे, तो उनमें से एक घायल जवान हवलदार सत्यपाल को बचाया नहीं जा सका है और हमारे इस वीर ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इंडियन आर्मी द्वारा पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज हवलदार सत्यपाल को अंतिम विदाई दी गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा।
लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2 सितंबर को इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा और इसकी कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री इस वॉरशिप को इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट करेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक INS विक्रांत की इस कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान पुराने वाले INS विक्रांत जो कि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था तो उसका रिटायर्ड स्टाफ, सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स, शिपिंग मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत और फिलीपींस के बीच सुरक्षा के पहलुओं में अपने बीच के एंगेजमेंट को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ दोनों पक्ष बायलेटरल मैरीटाइम डायलॉग के लिए एक फास्ट ट्रैक प्रिपरेशंस के लिए सहमत हुए हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों देशों के बीच डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कॉपरेशन को बढ़ाने के अलावा मैरीटाइम पार्टनरशिप को भी डिस्कस किया गया है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिलकर श्रीलंका की नेवी और एयरफोर्स को फ्यूल प्रोवाइड करेगा ताकि ट्रांजिशनल क्राइम के खिलाफ हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग कॉपरेशन आगे भी कंटिन्यू रहे। और बाकी श्रीलंका की बात हो ही रही है तो आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि हम्बनटोटा पोर्ट से चाइना के डुअल यूज रिसर्च वेसल युआंगवांग 5 अपनी 6 दिन की कॉन्ट्रोवर्सियल विजिट के बाद आज सोमवार को श्रीलंकन वाटर से रवाना हो चुकी है। स्पेस एक्टिविटी को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए भारत की पहली कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में स्थापित की जाएगी और इस ऑब्जर्वेटरी की मदद से 10 सेंटीमीटर जितने छोटे ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक किया जा सकेगा। और आपको ये भी बता दें कि इस ऑब्जर्वेटरी को भारत की ही एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप दिगंतारा स्थापित कर रही है और इस कंपनी के CEO श्री अनिरुद्ध शर्मा का कहना है कि उत्तराखंड में स्थापित होने वाली यह ऑब्जर्वेटरी इस रीजन में स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस ऑब्जर्वेशन के मामले में जो एक क्रूशियल गैप है उसे फिल करने में मदद करेगी और इसकी मदद से इस रीजन के ऊपर किसी भी तरह की स्पेस एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकेगा इंक्लूडिंग अंतरिक्ष मलबा और मिलिट्री सैटेलाइट्स। और इससे हमें जो डेटा मिलेगा उसकी मदद से हम सैटेलाइट्स के बीच होने वाले किसी भी संभावित टकराव को कम कर सकते हैं और इस तरह की और भी कई सारी चीजें हैं जिससे हमें मदद मिलेगी। और सब कॉन्टिनेंट के ऊपर स्पेस एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी भारत को एक स्वदेशी कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई चाइनीज सैटेलाइट भारत के किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर लंबे समय के लिए दिखाई देती है तो उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास अपनी स्वदेशी कैपेबिलिटी होगी और हमें इसके लिए US जैसी कंट्रीज के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा न्यूज 18 की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत करीब 300 इंस्टेंट लोन देने वाली चाइनीज ऐप्स को बैन कर सकता है क्योंकि इस तरह की जो इंस्टेंट लोन देने वाली एप्लीकेशंस हैं तो इनको लेकर इस बात का शक है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम हो सकते हैं और इस तरह की एप्लीकेशंस को भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और जबकि RBI भी पहले इस तरह की ऐप्स पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुकी है। और यहाँ पे जिन एप्लीकेशंस की बात हो रही है तो ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी गारंटी के इंस्टेंट लोन देने के दावे करते हैं और अगर कोई इनसे लोन ले ले तो फिर उसके कुछ सप्ताह बाद ये उस लोन को चुकाने के लिए रीपेमेंट मैसेज भेजना शुरू करते हैं और उस मैसेज में जो रीपेमेंट अमाउंट होता है वो एक्चुअल लोन अमाउंट से डबल से भी ज्यादा होता है और फिर धीरे धीरे इन मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है और इस तरीके से एक रीपेमेंट डिमांड ब्लैकमेलिंग में बदल जाती है और जिसने लोन लिया होता है उसे अलग अलग तरीकों से धमकाया जाता है, उसे डराया जाता है तो इस तरह के स्कैम उसके साथ होते हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया कि राजस्थान पुलिस ने दिल्ली से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और इस व्यक्ति का नाम है बागचंद जिसका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था लेकिन वो 1998 से अपनी फैमिली के साथ भारत आ गया था और 2016 में उसे भारतीय नागरिकता भी मिली थी और फिर उसने दिल्ली में ही एक टैक्सी ड्राइवर और लेबर के तौर पर काम करना भी स्टार्ट किया और अब इसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक पिछले 3 से 4 वर्षों से ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ टच में था और उन्हें पैसे के बदले इंडियन मोबाइल नंबर्स और सिम कार्ड्स प्रोवाइड करा रहा था। इन सब के अलावा कुछ मेजर इंटरनेशनल अपडेट्स भी सामने आए हैं जैसे कि रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल केवल तभी करेगा जब उस पर कोई हमला करे। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल रशिया केवल इमरजेंसी में सेल्फ डिफेंस के लिए करेगा। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि अगले महीने उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली SCO समिट में रशिया और चाइना के राष्ट्रपति एक दूसरे के साथ मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं और फिलहाल अभी भारतीय प्रधानमंत्री इस SCO समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। इसके अलावा यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर रिएक्टर कॉम्प्लेक्स के पास रशिया द्वारा आर्टिलरी और रॉकेट फायर किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है और इन्हीं रशियन अटैक्स के चलते कीव ने इस सप्ताह इंडिपेंडेंस डे रैलीज को भी बैन किया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2018 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कांस्टेबल फयाज अहमद शाह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2001 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अमित आहूजा भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन सन 2008 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल जे थॉमस ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, वीर भोग्य वसुंधरा ये इंडियन आर्मी की किस रेजिमेंट का मोटो है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।